हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम मी पुट लाइफ टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम दिलसाद और आज किस नई वीडियो में बात करने वाले पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच में जो कि एफसी बिग बैश लीग का छठवां मैच होगा। एंड इस मैच में अपनी ग्रैंड लीग टीम या स्मॉल लीग या हेड टू टीम किस प्रकार से बनाएंगे या तो विन कैसे करेंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियोज में मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग की टीम जो कि टू ग्रैंड लीग टीम जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, बहुत ही कमाल और अच्छा विनिंग आपको दिलाने वाले हैं। देखिए, सेन एबर्ट को सभी लोग अपनी टीम में कैप्टन बनाने वाले हैं, बट यार मैं बताऊंगा कि कैप्टन आप इनको मत बनाइए। क्यों? क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, तो आप इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं हेड टू रिकॉर्ड्स, प्लेयर स्टेट्स, वेरी रिकॉर्ड्स एंड टॉप डिसमिसल, दोस्तों बहुत कुछ। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। अब वीडियोस को आप लोग लाइक कर दीजिए। ऑलरेडी मैंने इसी मैच को कवर किया है जिसमें मैंने बताया था दोस्तों, बट वहां पे मैं आपको हेड टू रिकॉर्ड्स वेनी रिकॉर्ड्स नहीं बता पाया था, अपडेट था, वो अपडेटेड वीडियो था। तो यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पे सब कुछ क्लियर करने वाला हूं, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग हेड टू से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि विनिंग टिप्स एंड ट्रिक होंगी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मैच स्टार्ट कब होगा, तो ये मैच फिलहाल 17 दिसंबर इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर 1:45 पे खेला जाएगा। अगर हम बात करते हैं फिलहाल पर्थ स्कॉचर्स की प्लेइंग 11 के बारे में, या तो टीम के कैप्टन जो होने वाले हैं एस्टन टर्नर होने वाले हैं, ठीक है, और उसके बाद सिडनी सिक्सर्स की बात करते हैं तो एक मैच खेल करके आ रही है और लॉस है दोस्तों इस टीम का। मॉइसेस सिंडिक टीम के कप्तान हैं और जो प्लेयर का सिलेक्शन था यहाँ पे जो टॉपलेस थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टीम के जो रिसेंटली वाले मैच में। अब बात करते हैं हेड रिकॉर्ड्स की, लास्ट 3 ईयर्स में 11 मैच खेले गए दोनों टीम के अगेंस्ट में, जिसमें पार्थ स्कॉचर्स ने 6 विन करे हैं और सिडनी सिक्सर्स ने दोस्तों 5। कहीं ज्यादा का अंतर नजर नहीं आ रहा है, तो आप देख सकते हैं मैच काफी ज्यादा मजबूत होने वाला और काफी ज्यादा कमाल का मैच होने वाला, दोनों टीम काफी जबरदस्त होने वाली है। पिच रिपोर्ट अगर हम बात करते हैं, देखिए पर्थ स्टेडियम में ये मैच होने वाला है। एंड अगर हम बात करते हैं स्टेडियम के बारे में थोड़ा डिटेल्स में, तो टोटल जो T20 मैचेस यहाँ पे 7 खेले गए हैं, जिसमें पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने 5 मैचेस विन करे हैं, मतलब चेसिंग यहाँ पे दोस्तों काफी बढ़िया है। 7 में से 5 मैच चेस करने वाली टीम विन कर रही है और 2 जो कि यहाँ पे फिलहाल पहले बैटिंग करने वाली टीम। एंड अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट टोटल जो कि यहाँ पे 208 रन बने थे दोस्तों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच में, और लोवेस्ट अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच में बने थे। ये सारे के सारे मैच मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये T20 वर्ल्ड कप 2022 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली हुए हैं। हाईएस्ट स्कोर जो चेस हुए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के बीच में। एंड अगर हम बात करते हैं लोवेस्ट यहाँ पे डिफेंडेड हुए, तो फिलहाल यहाँ पे जिम्बाब्वे और पाकिस्तान, जो कि आपको पता है जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया था दोस्तों, ठीक है, याद होगा आपको T20 वर्ल्ड कप में। ये सारे के सारे मैचेस हैं और आपको यहाँ पे थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा कि देखिए भले ही लोग यहाँ पे बैटिंग पिच कहेंगे, बट यहाँ पे देखिए टीम पे भी डिपेंड होता है दोस्तों, ठीक है, जिस हिसाब से टीम होती है उस हिसाब से आप स्कोर और विकेट गिरती हैं। एंड अगर हम बात करते हैं दोस्तों पार्थ स्कॉचर्स की प्रबल प्लेइंग 11 के बारे में, देखिए आपने कैमरन ग्रीन को भी टीम में ले रखा होगा, बट मेरे हिसाब से कैमरन ग्रीन दोस्तों प्रबल प्लेइंग 11 में शामिल नहीं होने वाले, ठीक है, पहले मैच में। अब बात करते हैं दोस्तों फाइव डुप्लेसिस, कैमरन बैनक्रॉफ्ट, ये दोनों के दोनों ओपन करने वाले पार्थ स्कॉचर्स और प्लेइंग 11 शामिल होंगे, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन होंगे। फाइव डुप्लेसिस देखिए हेड ऑन में एक मैच नहीं है, ना ही इस वेन्यू पे, बिग बैश लीग के दोस्तों पहला ही मैच इन्होंने खेला था, 14 रन है, 14 का ही एयर था दोस्तों, 82 स्ट्राइक रेट, ये दूसरा मैच होगा इनका, ठीक है। टीम में रखने की बात करें, देखिए T20 में 50 मैचेस इन्होंने खेले T20 लीग के, जिसमें 35 के एवरेज है, तो काफी कमाल के बैट्समैन है, तो आप इनको टीम में ट्राई कर सकते हैं जहां तक ये बैटिंग पिच है। रिसेंट फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि वाइड ODI और T20 मैचेस के परफॉर्मेंस यहाँ पे मैंने दे दिए, जो कि फाइव डुप्लेसिस के। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कैमरन बैनक्रॉफ्ट मिलेंगे, जो कि बैटिंग से अगर हम इनके परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हेड टू हेड दोस्तों इन्होंने 8 मैचेस खेले हैं, जो कि हेड टू हेड का मतलब बता देता हूँ, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स जो जिस टीम से मैच हो रहा है उसके अगेंस्ट में परफॉर्मेंस, ठीक है दोस्तों, वेन्यू जिस स्टेडियम पे मैच हो रहा है उस स्टेडियम का परफॉर्मेंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप ही नहीं समझेंगे तो यार मेरे वीडियोस बनाने का मतलब ही क्या होगा। हेड टू रिकॉर्ड्स देखिए 8 मैच खेले, 113 रन किसका एवरेज रहता है, और वेन्यू की अगर बात करते हैं इस पिच पर उन्होंने 16 मैचेस खेले, 305 रन दोस्तों 30 का एवरेज है, और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है बिग बैश लीग के, इन्होंने 57 मैचेस खेले, 1238 रन है, 30 का एवरेज है, कमाल की बैटिंग कह सकते हैं दोस्तों, तो टीम में आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद जोश इंग्लिश की बात करते हैं दोस्तों, जोश इंग्लिश देखिए विकेट कीपर से मिलेंगे और बहुत कम, यानी कि अगर हम बात करते हैं 100 में तो 50% लोग इनको टीम में रखेंगे, बट परफॉर्मेंस की बात करते हैं हेड टू हेड में 10 मैचेस खेले दोस्तों, 234 रन है, 33 का एवरेज, बहुत कमाल की पारी कह सकते हैं। अगर हम पिच की बात करते हैं तो वेन्यू रिकॉर्ड देखते हैं तो 13 मैचेस इन्होंने खेले दोस्तों, 319 रन है और 31 का एवरेज है, मतलब ठीक ठाक ही दोस्तों, 33 और 31 कम नहीं होता, आपको पता 25 अगर है प्लस एवरेज तो आप समझ सकते हैं कि टीम में हम उसको रख भी सकते हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। बिग बैश लीग के 49 मैचेस खेले, 1078 रन, 26 का एवरेज है, बढ़िया कह सकते हैं दोस्तों, टीम में आप जोश इंग्लिश को भी रख सकते हैं। उसके बाद निक हॉबसन देखिए हेड टू हेड में एक भी मैच नहीं है इस ग्राउंड पर, अगर बात करते हैं दोस्तों 3 मैचेस में 34 रन है और एक ही मैच उन्होंने बैटिंग करी जिसमें 34 रन ही बना था, स्ट्राइक रेट 117 का, बढ़िया कह सकते हैं। बिग बैश लीग में 27 इनिंग में बैटिंग करते हैं, बट यार आप निक हॉबसन को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि हेड टू हेड में पहला मैच रहेगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि सामने जो टीम है, ठीक है, सिडनी सिक्सर्स, तो उसमें यार बॉलर्स काफी कमाल के, तो आप निक हॉबसन को
पहले मैच में ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद स्टटर जो कि टीम के कैप्टन ही, अगर इनके परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो 21 मैच यूनाइटेड में खेले हैं दोस्तों, जिसमें 435 रन है, 31 कवर, बहुत कमाल की पारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये आपको स्पेल कवर कराते नजर आएंगे, बट ये स्पेल कवर कराएंगे नहीं, कितने ओवर मिलेंगे तो मैं आपको क्लियर करूंगा। 21 मैच खेले हैं हेटवर्ड में, बॉलिंग कराई जिसमें 4 विकेट हैं, और वेन्यू की बात करें 16 मैच दोस्तों बैटिंग करी जिसमें 341 रन, 28 कवर, ये भी कमाल के भाई, और ये आपको शायद ऑलराउंडर सक्सेस मिल जाए मिलने वाले दोस्तों। ठीक है, बिग बैश लीग के 100 मैचेस में 1637 रन है, 24 कवरेज है, और मतलब ठीक ठाक ही है टीम में रखने की बात करते तो आप ट्राई कर सकते हैं। एरन हार्डी की अगर हम बात करें तो ये भी आपको ऑलराउंडर सक्सेस से मिलने वाले हैं। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि हेडवर्ड में 6 मैचेस खेले 126 रन, 31 कवरेज है, और अगर हम बात करते हैं वेन्यू की दोस्तों तो वेन्यू 6 मैचेस खेल कर 32 रन है, 16 कवरेज, वेन्यू पे इस ग्राउंड पे बिल्कुल फ्लॉप है। देखिए ये साथ ही साथ स्पेल कवर भी कराते हैं, एंड हेडवर्ड में एक स्पेल कवर नहीं कराया, बट वेन्यू पे 6 मैचेस में दोस्तों इन्होंने बॉलिंग करी इसमें 6 विकेट भी, मतलब कि आप इनके साथ जा सकते हैं, ये बॉलिंग बैटिंग दोनों करने को इनको मिलेगा मौका मिल जाएगा, इनको स्पेस वाले प्लेयर रहने वाले ये। एंड उसके बाद स्टर्न जो कि आपको ऑलराउंडर सक्सेस मिलने वाला दोस्तों, स्पिन बॉलर्स है, एंड 12 मैचेस में 6 विकेट देखे हैं वेन्यू पे, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हेडवर्ड में दोस्तों, हेडवर्ड में। अब वेन्यू की अगर हम बात करते हैं 7 मैचेस में 5 विकेट हैं, ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं है, तो आप पहले मैच में इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बिग बैश लीग के 66 मैच में दोस्तों इन्होंने 650 रन बनाए, 19 कवरेज, देखिए बैटिंग भी थोड़ा सा डाउन इनकी, ठीक है, जिसमें बैटिंग करेंगे, एंड 60 इनिंग में 51 विकेट है, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, तो पहले मैच में आप इनको ड्रॉप करके जा सकते हैं पहले टीम में। जे रिचर्डसन दोस्तों बहुत ही कमाल के भाई बॉलर्स हैं, एंड इनके परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, देखिए 13 मैच इन्होंने खेले हैं, और ये पेसर बॉलर से 17 विकेट हैं हेडवर्ड में, और इस ग्राउंड पे 14 में 16 विकेट है, मतलब विकेट मिलने के चांसेस इनके पूरे के पूरे रहने वाले। बिग बैश लीग के 55 मैचेस इन्होंने खेले हैं जिसमें 73 विकेट है, कमाल की बारी कह सकते हैं, तो आप इनको टीम में अपने जरूर लेकर के जा सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों एडिटाई की अगर हम बात करते हैं तो 18 मैचेस उन्होंने हेडवर्ड में खेले हैं और 29 विकेट, बहुत ही कमाल पारी भाई कह सकते हैं, 18 में 29, और अगर बात करते हैं इस ग्राउंड पे 12 में 19, तो मतलब भाई आपके लिए मिल गया वाइस कैप्टन, तो कंफर्म आपको मिल गया ये, ठीक है एंडरटाई। एंड उसके बाद जेसन बेरेंडोरफ की अगर हम बात करते हैं, आईपीएल भी खेल कर रहे हैं, दुखी आप अगर बात करते हैं 12 मैच इन्होंने हेडवर्ड बॉलिंग कराई दोस्तों, 16 विकेट है इस ग्राउंड पे, 10 मैचेस में 10 विकेट है। एंड टीम में रखने की बात करें तो आप पहले मैच में देखिए, और टीम में जरूर आप लेकर जाइए, बहुत कम लोग रहेंगे इनको टीम में ले जाकर के, आप सोच रहे हो सभी को हम कैसे रख सकते हैं, ठीक है, तो आप घबराइए मत, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ज्यादा टीम में सजा देते हैं तो इन जैसे प्लेयर्स को रखना है आपको, ठीक है, अपने टीम में। बाकी दो टीम में जो कि आपको सिलेक्शन एक्सप्लेन करके खुद देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियोस के साथ बने रहे, सिर्फ 12 मैच हेडवर्ड में बॉलिंग, 16 विकेट है, 10 में 10 विकेट है ग्राउंड पे। बिग बैश लीग में 72 मैच इन्होंने खेले जिसमें 86 विकेट, बहुत कमाल की पारी कह सकते हैं, तो आपके टीम में ये भी होना चाहिए। एंड उसके बाद दोस्तों आपको मिलेंगे मैथ्यू केली, एंड अगर उनके परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो 4 में इन्होंने हेडवर्ड बॉलिंग कराई है जिसमें 4 में 4 विकेट है, और वेन्यू की अगर बात करते हैं इस ग्राउंड पे इन्होंने 11 मैच में 16 विकेट लिए, तो ये भी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब आप यहाँ समझ सकते हैं पांच स्कॉचेस जो हेडवर्ड रिकॉर्ड्स भी एक मैच ज्यादा जीता है सीरीज से, तो यार दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बॉलिंग बहुत मजबूत है, बॉलिंग लाइनअप और बैटिंग लाइनअप दोनों यहाँ पे बहुत मजबूत है, बैटिंग लाइनअप थोड़ा कमजोर है, बट बॉलिंग लाइनअप में भाई कहीं भी कमी नहीं है, ठीक है पार्थ इसको सर, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सिडनी सिक्सर्स के बैट्समैन को ध्यान से रखना है। अब यहाँ पे बेंच प्लेयर आपको ये मिल सकते हैं, आदम लित, पीटर हजगोली, आपको ये बेंच प्लेयर मिल सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिडनी सिक्सर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो आपने सभी रिसेंटली अभी देखे हैं कि किस प्लेयर को यहाँ पे मौका मिला था दोस्तों प्लेइंग 11 में, तो उस हिसाब से आप जानते होंगे, बट यार हेडवर्ड रिकॉर्ड्स हम देखेंगे इस टीम पार्थ इस कोचेस के गेज में इनका परफॉर्मेंस कैसा है, वेन्यू पे कैसा है, पार्थ स्टेडियम है, तो वो मैं आपको बताने वाला। देखिए जोस फिलिप पटिसन जो कि ये दोनों के दोनों ओपन करने वाले हैं, और आपने रिसेंटली भी देखा, अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं जोस फिलिप ने 26 रन बनाए हैं रिसेंटली एक मैचेस में, 11 मैच इन्होंने हेडवर्ड रिकॉर्ड्स खेले जिसमें बैटिंग करी है, 292 रन बनाए हैं, 41 कवरेज है हेडवर्ड में, बहुत कमाल की पारी। वेन्यू की अगर बात करते हैं 3 मैच में 33 रन है, एंड दोस्तों एक ही मैच में इन्होंने बैटिंग करी, 33 का एवरेज है। देखिए टीम में रखने की बात करें तो आप टीम में तो आप रख सकते हैं इनको, टीम में अब ये कंफर्म है, बैटिंग पिच है, तो एक मैच में आप ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कि मैंने आपको पिच के बारे में बताया कि देखिए यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर 200 प्लस का भी बना है और 122 पे भी ऑल आउट हुई टीम, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको दो तीन टीम अगर जाना है तो एक टीम आप कैप्टन वाइस कैप्टन बैट्समैन को रख लीजिए, एक पे बॉलर्स को रख लीजिए दोस्तों, ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा पिच को देखते हुए आप समझ सकते हैं। उसके बाद कर्टिस पैटरसन की बात करते हैं दोस्तों, एक मैच में 9 ही रन है रिसेंटली, हेडवर्ड में 4 मैच 45 रन है, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। वेन्यू की बात करते हैं 4 में 74 है, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है दोस्तों, तो आप कर्टिस कैंपर को इस मैच में भी ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद जेम्स वॉन्स की अगर हम बात करते हैं हेडवर्ड दोस्तों, 8 मैचेस इन्होंने खेले हेडवर्ड रिकॉर्ड्स, 313 रन है रिसेंटली, 0 पे आउट हुए, कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा है, 0 पे नहीं मतलब कुछ इतना परफॉर्मेंस नहीं था दोस्तों, ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो समझ जाइएगा और संभाल लीजिएगा मतलब थोड़ा सा, ठीक है। और बाकी मैं क्लियर कर देता हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एरोज 52 का हेडवर्ड में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, वेन्यू की बात करते हैं 3 मैच 50 16 कवरेज। देखिए दोस्तों जेम्स वॉन्स को मैंने क्या कहा, 40 से प्लस लोग अपने टीम में रखते हैं परसेंट से, मतलब 50% भी नहीं रखने वाले, बट अगर दोस्तों हेडवर्ड रिकॉर्ड देखते हैं तो यार टीम के गेंस में
313 रन 52 करोड़ बहुत ज्यादा हो जाता भाई, कम नहीं तो वो भी स्ट्राइक रेट 140 का। इस पिच पे ये बल्ले ही फ्लॉप है, 3 मैचेस पे 50 रन, बट पिच के ऊपर डिपेंडेंट हम नहीं रहने वाले। तो दोस्तों जेम्स वाइन्स को आप जरूर अपनी टीम में लेकर के जा सकते हैं। एंड उसके बाद मॉइसन सेनरिक हम बात करते हैं, तो मॉइसन सेनरिक 1 मैच 24 रन 20 एंड हेड टू बैटिंग की बात करते हैं तो 18 मैच बैटिंग करी, 388 रन 29 करोड़ है, 18 इनिंग में 1 विकेट भी मिली, बट बॉलिंग का कुछ कंफर्म नहीं क्योंकि स्पेल कवर मिले। एंड स्पिच पर अगर हम बात करें तो 2 मैचेस में 73 रन 36 करोड़ है, मतलब मॉइसन सेनरिक ठीक ठाक ही है, तो आप इनको टीम में जरूर लेकर जाइए अपने। जॉर्डन सिल्क अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल 1 मैच में 36 रन देखने को मिले, पर अगर हेड की बैटिंग की बात करें तो 18 मैच में दोस्तों 262 करोड़ है, स्पिच पे 3 मैच 22 रन। स्पिच पे दोस्तों देखिए जॉर्डन सिल्क बिल्कुल फ्लॉप है, तो पिच के देखते हुए ड्रॉप कर सकते हैं और हेड टू तो देखते हुए टीम में आप रख सकते हैं, बट कब रखेंगे, जब आप उधर के बैट्समैन को ड्रॉप कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जब आप बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो तो आपको जॉर्डन सिल्क को भी ड्रॉप कर देना दोस्तों, ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर वो वाला अफगानिस्तान एंड इंग्लैंड वाला परफॉर्मेंस देख करके स्पिच पे चल रहे हैं तो फिलहाल आप समझ लीजिए जॉर्डन सिल्क और जेम्स वाइन्स को भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, जब आप लोवेस्ट अगर समझ रहे हैं कि लोवेस्ट स्कोर यहाँ पे बनने वाला है, क्योंकि मैंने पिच के बारे में सारे स्कोर आपको बता दिए। डेन क्रिस्टन दोस्तों 1 मैच में 13 रन है और हेडवर्ड में 20 मैचेस खेले, 352 रन 25 करोड़ जाता है, बॉलिंग 20 मैचेस में करा 21 विकेट बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, 4 में 47 रन है, वेन्यू पे 15 रन है स्कोर एवरेज है, 4 में 8 विकेट है, मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, तो आप इस मैच में डेन क्रिस्टन को जा सकते हैं कि पिच में बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड दोस्तों हेडवर्ड में भी, तो ये टर्म कार्ड हो सकते हैं, बहुत कम लोग अपनी टीम में रखने वाले हैं, डेन क्रिस्टन के साथ आप बिल्कुल जाइएगा। सीन नंबर देखिए सभी लोगों को अपनी टीम में रखने वाले हैं, ठीक है, कैप्टन भी बनाने वाले हैं रिसेंटली मैच को देख करके, और मैंने खुद कैप्टन दिया था, 3 विकेट निकाल दिए बंदे ने, ठीक है, रिसेंटली 3 विकेट है। हेड टू हेड में अगर बात करते हैं बैटिंग की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बॉलर से भले ही ऑलराउंडर से मिले बट ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, बट इससे पहले बैटिंग हेडन करने आ जाएंगे, ठीक है। देखिए 18 इनिंग इन्होंने वेन्यू पे अगर हम बात करते हैं तो वेन्यू पे इन्होंने सॉरी हेड टू हेड में 18 मैच में बॉलिंग करी है जिसमें 19 विकेट निकाली है, इस ग्राउंड पे 2 मैचेस में 4 विकेट, देखिए 18 में 19 आप अंदर समझ सकते हैं कि कुछ मतलब यहाँ पे चांसेस रहेंगे कि हाँ एक विकेट मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती दोस्तों, तो ये रिस्की प्लेयर हो सकते हैं। देखिए इस मैच के लिए मैं बता रहा हूँ, वेन्यू पे 2-4 हैं, ठीक है, वेन्यू को देखते हो ठीक ठाक ही है, बट सामने वाली जो टीम है यार दोस्तों आपको पता है पार्थ चोहले जो बैट्समैन है काफी कमाल के भाई, वहां पे बैट्समैन बैटिंग लाइनअप काफी मजबूत है, सिडनी सिक्सर्स में ही बैटिंग लाइनअप जो है कमजोर है दोस्तों, ये भी आपको देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा आपसे इनबोर्ड के साथ ज्यादा रिस्क ना जाए कैप्टन के साथ क्योंकि लॉस भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेडन के जो कि टीम में अगर हम बात करते हैं 13 रन रिसेंटली बनाए और हेड टू हेड अगर हम बात करते हैं दोस्तों बॉलिंग की 6 मैचेस में 8 विकेट ली है, तो ये इनका भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, वेन्यू पे इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला, देखिए 23 मैच बिग बैस लीग के खेले जिसमें इन्होंने 25 विकेट लिए थे, तो ठीक है यार परफॉर्मेंस इनका भी हेडन केयर का भी, तो हेडन केयर की अगर हम बात करें तो सभी लोग ड्रॉप करेंगे, आप जा सकते हैं, कब जाएंगे दोस्तों, जब आप बॉलिंग बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए वो मैं आपको बता दूंगा, आप लोग सोचिए मत क्या सबको क्यों कह रहा हूं मैं, ठीक है, 2 टीम अभी आपको प्रोवाइड करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बेन डॉर्सिस, देखिए 1 मैच भी इनको कोई विकेट नहीं मिली संडे वाले में, और अगर हम बात करते हैं हेडवर्ड में तो 15 मैचेस 15 विकेट है, ग्राउंड पे भी 3 में 3 विकेट है, और इस मैच में चांसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते दोस्तों, ठीक है, जैसे आपसे परफॉर्मेंस इनका, बट यार बिग बैस लीग की अगर हम बात करते हैं टोटल तो इन्होंने 84 मैचेस खेले हैं जिसमें 82 इनिंग में बॉलिंग कर रहे हो 102 विकेट है, मतलब कमाल की पारी भाई, कभी भी ये धमाका कर सकते हैं, कभी भी विकेट निकाल सकते हैं बढ़िया, ठीक है, तो सोच लीजिएगा आप लोग। स्टीव कॉफी की हम बात करते हैं 1 मैच में 1 विकेट रिसेंटली मिले को, 18 में 13 विकेट है, बॉलिंग वेन्यू पे 2 में 2 विकेट है, और टीम में रखने की बात करें दोस्तों देखिए रिस्की प्लेयर जो रहने वाले हैं और वही विकेट लेकर के जाते हैं, आप देख रहे हैं 3 से 4 जो मैच हुए हैं बिग बैस लीग के तो सभी में जिनका सिलेक्शन बहुत कम होता है यार वही विकेट लेकर के जिन पे लोग भरोसा कम करते हैं, ठीक है, तो उनको आपको जरूर मैं अपनी टीम में जरूर लेकर के जाना, ये आप ध्यान रख लीजिए, जिनका सिलेक्शन बहुत ही कम हो बिल्कुल ना के बराबर हो, बट यार उनको स्पिल के ओर मिलने वाले हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्पिल के ओर भी ना मिले टीम में आप लेकर के, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अब यहाँ देखिए इजरारुल हक नवीद की बात करते हैं, 1 मैच उनको 2 विकेट मिले, पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस है, पहला बिग बैस लीग मैच था और 2 विकेट मिले, और देखिए T20 लीग में भी ये बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, 11 मैच में 14 विकेट हैं, तो मतलब यार इस मैच में भी इनके चांसेस रहने वाले दोस्तों। अब बात करते हैं कि टीम के मेरे किस प्रकार से टीम होगी तो मैं आपको बता देता हूं, बेंच प्लेयर आप क्रिस जॉर्डन डेनियल हगेस जैक्सन बर्ड आपको मिल जाएंगे, परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, जो 2 टीम रहने वाली वो मैं आपको शो कराता हूं। तो दोस्तों फिलहाल हेड टू रिकॉर्ड्स फेनी रिकॉर्ड प्लेयर स्टेट देखते हुए पिच रिपोर्ट देखते हुए जो मेरी पहली टीम रहेगी दोस्तों यहां पे रहेगी इस प्रकार से, एंटायर टीम के कैप्टन रहेंगे जे रिचर्डसन वाइस कैप्टन, एंड यहाँ पे प्लेयर का सिलेक्शन आप देख सकते हैं, बैटिंग सिस्टम में हमने सिर्फ चार बैट्समैन को रखे हैं, मैंने क्या कहा दोस्तों आप जेम्स वाइन्स को भी ड्रॉप कर सकते हैं जब आप यहाँ पे बॉलर्स पे भरोसा कर रहे हैं तब, ठीक है दोस्तों। और ये पिच मैं बता दूं ये टीम जो कि फिलहाल हमने बनाया है कि लोवेस्ट स्कोर के हिसाब से जो कि इस ग्राउंड पे बने हैं दोस्तों, ठीक है, उस हिसाब से हमने ये टीम को बनाया हुआ है, ये मेरी पहली टीम रहने वाली है, दूसरी टीम किस प्रकार से रहेगी मैं आपको शो करा देता हूँ, दूसरी टीम दोस्तों मेरी इस प्रकार से हो सकती है जिसमें देख सकते हैं बैटिंग जो कि हमने काफ़ी अच्छे रखे हैं, जो सिंग इंग्लिश को भी हमने ट्राई कर लिया, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, टॉ रिकॉर्ड्स वेन रिकॉर्ड भी इनका बढ़िया है,
एंड हेनरिक को हमने रखा है एंड डेन क्रिस्टन का आपने परफॉर्मेंस देखा बढ़िया था, बट दोस्तों ये स्पेल के और रिसेंटली उनको मिले नहीं थे, ठीक है। तो यार स्पेल के ऊपर अगर उनको मिलते तो डिपेंडेंट होते हैं उनके बॉलिंग पे, क्योंकि बॉलिंग भी उनकी ठीक ठाक रहती है और हेड टू हेड में भी बढ़िया बॉलिंग थी। जोस फिलिप टीम में रहेंगे फैफ डुप्लेसिस एंड यहाँ पे जेम्स वाइंस, जो जनसिल को हमने रखा है। चाहे तो दोस्तों आप यहाँ पे मोनिक हेनरिक को रख सकते, बट यार मॉइसेस हेनरिक को मैं इसलिए ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफी समझदार भाई बैट्समैन है, ठीक है, मतलब कि आपको ठीक ठाक पॉइंट्स ही देकर के जाता है हर मैच में। सेन एम्बर को हमने टीम में रखा है बट यार मुझे रिस्की लग रहा है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से। एस्टन अगर को हमने ट्राई कर लिया क्योंकि बैटिंग ऑर्डर इनका ठीक ठाक नंबर पे आएगा। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, एंडी टाइप बेंड रॉस जे रिचर्डसन। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज मैं बता दूँ, मॉइसेस हेनरिक के बारे में बताया कि चाहे तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। अगर ड्रॉप करते हैं दोस्तों किसको रखेंगे आप यहाँ पे, एरन हार्डी को, क्योंकि एरन हार्डी को दोस्तों यहाँ पे स्पेल कोर भी मिल रहे हैं, बैटिंग भी ठीक ठाक है, रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, उनके साथ साथ यहाँ पे ये बॉलिंग भी ठीक ठाक कर रहे हैं और उनको बॉलिंग के साथ साथ परफॉर्मेंस भी मिल रही है, मतलब विकेट भी मिल रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप टीम के साथ जा सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए स्टन अगर पहले बैटिंग करने आ जाएंगे एरन हार्डी से, तो मैं स्टन और अगर को रख लिया टीम में वाइस कैप्टन और ये स्पेल कोर भी कराएंगे दोस्तों। तो ये मेरी दूसरी टीम रहेगी और बाकी की यार फाइनल जो कि कुछ चेंजमेंट होता है प्लेइंग 11 में, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट देता ही रहता हूं। तो वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहां पे लिंक टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। एंड गाइस आप लोग कमेंट्स कर दीजिए कैसी लगी वीडियोस आप लोग को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।